गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुनीसर जी सी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। एक क्वेश्चन है कि 1 kg मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉन्टेन्ड इन ए सिलेंडर एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 20 bar। इनिशियल प्रेशर दे रखा है 20 bar। द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली बिहाइंड ए पिस्टन अकॉर्डिंग टू लॉ PV² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। द फ्लूइड इज देन कूल रिवर्सिबली एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल द पिस्टन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। हीट इज देन सप्लाइड रिवर्सिबली विद द पिस्टन फर्मली लॉक्ड इन पोजिशन अंटिल द प्रेशर राइज टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20 bar। कैलकुलेट द नेटवर्क डन बाई द फ्लूइड फॉर एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.05 m³। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन की बहुत काफ़ी बड़ा है ना। तो जितना बड़ा भी देखिएगा आप लोग को कोई कभी भी किसी में भी देख लीजिए, जितना अगर बड़ा क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन बहुत ईजी होता है। इसलिए क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन का क्या तरीका होता है, कुछ तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बस सर इजली से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा हम लोग देखेंगे। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन डाटा हम लोग देखेंगे, जैसे मास दे रखा है आपका। देखो मास क्या दे रखा है, 1 kg दिया हुआ है। चलिए मास ले लेते हैं। ऑफ फ्लूइड कंटेन इन सिलेंडर एट इनिशियल प्रेशर, यानी P1 दे रखा है मेरा। P1 दे रखा है कितना आपका, 20 bar दे रखा है। 20 bar दे रखा है, 20 bar ले लिए। द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली। अब देखिए ये क्या करना है हम लोग को, PV डायग्राम पर वर्क करना है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये है, जैसे देखिए जो बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है रिवर्सिबली, यानी कि ये हो गया, यहाँ से क्या कर रहा है मेरा, ये एक्सपेंड कर रहा है। मान लीजिए ये पोजिशन आपका 1 है और ये आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है। इनिशियल ये है और आपका 2 है। तो ये कह रहा है कि ये इनिशियल प्रेशर दे रखा है। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है, इनिशियल ये यानी कि दिस ये P1 और ये P2, ठीक है। ये P1 P2 है, ये दिया हुआ है आप लोग का। तो देखिए एक्सपेंड रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबिलिटी बिहाइंड ए पिस्टन अकॉर्डिंग टू लॉग, यानी कि ये PV² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिया हुआ है, एक्सपेंड कर रहा है अंटिल द वॉल्यूम इज डबल। यानी कि क्या आ रहा है, पहले V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम यहाँ दे रखा है, V1 इक्वल टू 0.05 m³। और ये क्या कर रहा है, ये फिर क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो जा रहा है। तो यानी कि V2 इजकल टू 2 times V1, ये तभी तो डबल होगा आपका, है ना, डबल हो गया। देन फ्लूइड इज देन कूल रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए कॉन्स्टेंट प्रेशर से क्या हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट पड़ रहा है और क्या कर रहा है वो रिगेन क्या कर रहा है वो इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये क्या कर रहा है, वापस जो है क्या करता है, जहाँ से मेरा 1 point से स्टार्ट हुआ था, फिर वापस क्या हो रहा है वो 1 point पे मेरा यहाँ पर चला गया। तो ये आपका इस टाइप से एक डायग्राम बन रहा है, ये है ना, और ये डायग्राम है। इस टाइप से आपका क्या हो रहा है, यहाँ चला था 1 point से, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है और फिर ये है कि ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होते हुए क्या किया, सप्लाइड रिवर्सिबली विद द पिस्टन फ्रॉम लॉक्ड पिस्टन अंटिल द प्रेशर राइज टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20 bar। यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या था, 20 bar जहाँ पर था वो वापस वहीं पहुँच गया है, ठीक है। ये यानी कि P1 दे रखा है आपका 20 bar, तो ये मेरा आ गया था। इसको हम लोग क्या करना, फाइंड द नेटवर्क डन। यानी कि ये देखिए आपका, अगर हम लोग बात करें कि नेटवर्क डन क्या होगा, तो अगर हम लोग डब्ल्यू नेट का बात करें, तो डब्ल्यू नेट का अगर हम लोग बात करें तो क्या हमको निकालना पड़ेगा, देखिए W12 जिसे इसको नेमिंग कर दीजिएगा 1 से 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 1 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आएगा। तो अब हम लोग क्या करता है, सारा कुछ ये डायग्राम के अकॉर्डिंग और ये गिवन किया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा कुछ क्या करता है, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, अगर हम लोग बात करेंगे, ये एडियाबैटिक तो हम नहीं बोलेंगे, ये पॉलीट्रॉपिक है। पी वी इजकल टू एंड पॉलीट्रॉपिकली ये इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, ये पॉलीट्रॉपिक है ना। तो हम लोग सबसे पहले सब कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, इसका वर्क डन क्या होता है, और ये कॉन्स्टेंट प्रेशर का वर्क डन क्या होता है, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस 1 to 2 का हम लोग देख रहे हैं।
प्रोसेस वन से टू का देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग यह सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग का, आप देखते जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहता है, हम लोग ये वर्क डन, हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए और हम लोग क्या करें, डी डब्ल्यू अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या करेगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, P1 दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है, और क्या हुआ है आपका P2 नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले P2 निकालेंगे हम लोग, P2 कैसे निकालेंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे ना हम लोग। तो सबसे पहले क्या, और देखिए V2 क्या है, V2 आपका जो है, V2 जो है आपका 2 times V1 है, 2 times V1 कितना हो जाएगा, V1 दे रखा है 0.05, यानी कि कितना हो जाएगा इसका, देखिए 2 into 0.05, तो ये आ रहा है आपका 1, यानी कि 0.1 meter cube आ रहा है। ये आ गया V2 हम लोग निकालेंगे, लेकिन P1 कहाँ से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये P1 हम लोग यहाँ से निकालेंगे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे P1। तो P1 निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए ध्यान से, यानी कि P1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, P1 V1 का स्क्वायर और P2 V2 का स्क्वायर। तो P1 दे रखा है आपका 20 बार, 20 into V1 भी कितना आ गया है मेरा, V1 दिया हुआ आपका 0.05 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 into, और ये कितना आ रहा है, V2 कितना आ रहा है, 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P2 फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो गया जाएगा ऊपर 20 into 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करिएगा तो P2 आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा बार, ये 5 बार आ रहा है, ये आ गया मेरा, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, देखिए ध्यान से। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यानी कि ये देखिए, जैसे कि ये वाला हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर बना ले रहे हैं इस, ताकि आप लोग को समझ में आए, ये थोड़ा सा एक बार और डायग्राम हम बना ले रहे हैं, ये वाला, ये इस टाइप से डायग्राम था मेरा, ये 1 से 2, ये 1 से 2, और फिर ये यहाँ पर आ गया, और ये वापस यहाँ चला गया, ये वाला ये हो गया, ये 1 था 2 था, और ये, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ देखें, तो क्या हो, इस केस में क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V3, इसको आप इसको ये करिए, वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्ट करिए, तो V1 इक्वल टू V3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग ये बना लिए, क्या कहता है, ये आपका V3 हो गया। तो हम लोग क्या हो गया, ये PV² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लोग ये क्या होता है, डी अगर हम लोग DW का बात करें, डी प्रोसेस देखिए, DW 1 से 2 में जाएंगे, तो क्या होता है इसका वर्कडन, क्या होता है पॉलीट्रॉपिक का अगर वर्कडन देखेंगे, तो हम लोग होता है ये, आप लोग को बताया गया था, डिराइव करके भी दिखाया है, P1 V1 - P2 V2 / N - 1, ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ये चूँकि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है ना, अगर गामा यहाँ पर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स है ना। तो यहाँ पर, और ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 1.22 1.4 तक वैलिड करता है, और ये क्या कहता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है आपका 1.4 होता है 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पर चूँकि गिवन किया हुआ है, तो ये PV इक्वल टू N का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये दिया हुआ था। तो DW 1 से 2 प्रोसेस के लिए, तो P1 कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, P1 दे रखा है आपका 20 बार, देखिए ये P1 दे रखा है 20 बार, हम लोग 20 पुट अप कर रहे हैं, 20 into, अब V1 दे रखा है मेरा, V1 0.05 और माइनस P2 कितना आ रहा है, देखिए P2 हम लोग 5 बार कैलकुलेट किए हैं, 5 into V2 कितना आया है, देखिए V2 आपका हो गया है, V2 आया है मेरा, यहाँ सॉल्व किए हैं 0.1, और यहाँ से ये 2 हो गया, 2 - 1। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, SI यूनिट का एकदम पूरा ध्यान रखेंगे, ये देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ले लिए, और 20 into 0.05 - 5 into 0.1 और डिवाइडेड बाई 1, 2 - 1 = 1 होगा, है ना, 1 कर लेंगे, और इसको सॉल्व करिएगा, तो मेरा ये आ रहा है क्या,
0.5। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वन बार इक्वल टू क्या होता है, देखिए वन बार, अगर हम लोग वन बार का बात करें, वन बार इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है क्या मीटर क्यूब में, 0.05 क्या था वॉल्यूम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि प्रेशर, और ये प्रेशर और ये क्या है वॉल्यूम है। तो अगर हम देखा जाए इसका यूनिट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इनटू वॉल्यूम का बात करें तो ये मीटर क्यूब, तो ये से ये डन कर गया तो यहाँ पर क्या आ रहा है न्यूटन और मीटर आ रहा है। तो न्यूटन मीटर क्या होता है जूल आता है, जूल आता है, तो हम लोग किलो जूल में लाना है इसको। तो अगर इसको हम देखेंगे 0.5 न्यूटन मीटर क्या हो रहा है जूल आ रहा है, तो जूल और किलो जूल में लाना है, तो किलो किलो में अगर लाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा किलो जूल। और ये याद रखिएगा, और जब क्या कहता है किलो लाना होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा याद कर समझना है, बस याद क्या करना है, जहाँ किलो लाना होगा, किलो जब लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और किलो को जब हटाना होगा तब क्या कीजिएगा 100 से डिवीजन कर दीजिएगा, बस ये करके आगे बढ़ते रहिएगा। क्या बोली फिर से वो देखिए, अगर हमको ऐसे तो न्यूटन मीटर जूल होता है, ये है न्यूटन मीटर जूल होता है, तो जूल आ गया, हमको किलो जूल बनाना है, तो जहाँ पर क्या कहता है किलो लाना है, किलो अगर एडिंग करना है किलो लाना है, तो वो क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और किलो को अगर हटाना है, बाय द वे कहीं पर हटाना होगा, सिर्फ जूल लाना है आपका, तो क्या करें 100 से डिवीजन कर दिया तो वो किलो हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा इसको सॉल्व करिए, 0.5 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा फाइनल क्या आ रहा है 15, यानी कि कितना हो जाएगा 15 किलो जूल, ये ठीक है, ये डी डब्ल्यू 1-2 आ गया, ठीक है, 1-2 के लिए निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे 2 से 3 के लिए, तो डी डब्ल्यू 2 से 3 के लिए देखेंगे। तो हम लोग बताइए ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, ये क्या हो रहा है, ये P1 हो जाएगा, और ये P2, ये P और ये भी वॉल्यूम एक्सिस है ना, ये तो ये वॉल्यूम है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे क्या होता है P into dV है ना, तो ये होता है हम लोग जनरलाइज फॉर्म में, यही होता है ना वर्क डन, तो P into dV का तो वॉल्यूम चेंज, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर कौन सा प्रेशर है P2 है, तो P2 यहाँ रखेंगे P2, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा चेंज है, तो यानी कि V3 माइनस V2। और V3 किसके बराबर है, देखिए V1 इक्वल टू V3, ये हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर है ना, वॉल्यूम ये ट्रेस किए हैं, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग V1 इक्वल टू V3, देखिए एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो V1 जितना होगा उतना ही V3 होगा, तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DW23, तो हम लोग लिख सकते हैं P2, और ये क्या कर सकते हैं V1 माइनस V2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे V1 कितना आया है आपका, V1 देखिए पहले सबसे पहले P2 को हम लोग बात करें, P2 आपका दे रखा है यहाँ पर कितना आया है P2 फाइव बार, तो फाइव लिखिए, फाइव लिखते हैं P2 फाइव, और ये कर लीजिएगा तो, और ये कितना आ रहा है V1 कितना है आपका V1 0.05 माइनस, और क्या आ रहा है, और P1 कितना यानी कि कितना V2 कितना है, V2 आ रहा है आपका V2 आ रहा है 0.1, तो अगर इसका SI यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो ये आ रहा है बार में है, तो वो तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार में न्यूटन पर मीटर से इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये से ये कट गया तो क्या हो जाएगा न्यूटन और मीटर हो गया, फिर वापस क्या हो गया इसका SI यूनिट का अगर बात करें तो न्यूटन मीटर जूल होता है, ये जूल आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करिए इसको, तो हमको किलो जूल में ही लाना है, तो आपको भी हम बताए थे सारा कुछ, तो इसको क्या करिए 5, और ये क्या करिए 0.05 माइनस 0.1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है मेरा माइनस 0.25, और क्या कहता है -0.25 आ रहा है ना, -0.25 आ रहा है, और क्या कहता है इसको क्या कहता है हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये मेरे जूल में आया है और किलो जूल में लाना है, तभी हम बताए थे क्या करना, जहाँ किलो आएगा वहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या करिएगा, अब हम लोग मान लीजिए कि सपोज अब किलो जूल लाना चाह रहे हैं, तो इसको क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आपका किलो जूल में आ जाएगा, तो इसको करिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ रहा है, तो यानी कि आ जाएगा -25 किलो जूल, ठीक है। तो यानी कि DW ये 2 और ये 2 से 3 ये प्रोसेस आ गया, 1 to 2, 2 से 3 आ गया। तो और देखिए निगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन वर्क डन
ऑन फ्लूइड, वर्क डन अब वही पॉजिटिव होता है तो वर्क डन बाय द फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हम बताए थे प्रीवियस हम जो बात किए थे, तो वर्क डन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, अगर यही पॉजिटिव होता है वर्क डन बाय द फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग दो प्रोसेस का बात कर लिए, ये 1 to 2 और 2 to 3। अब हम लोग बात करेंगे क्या डी डब्ल्यू ये 3 से 1। तो 3 से 1 में क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो पी डी भी तो कांस्टेंट क्या है, सॉरी ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, 1 to 3 में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यानी वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो पी इंटू और ये जीरो जीरो, तो यानी कि वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो और नेटवर्क हम लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका, नेटवर्क का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू 1 to 2 प्लस डी डब्ल्यू 2 to 3 प्लस डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 3 to 1 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू 1 to 2 कितना आया था, देखिए ध्यान से, ये 50 kJ प्लस और ये क्या है डी डब्ल्यू 2 to 3 आया है मेरा माइनस ट्वेंटी फाइव kJ और प्लस ये कितना आ रहा है आपका D3 to 1, ये वर्क डन कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। यानी कि 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा 25 kJ। ये आपका आ गया नेटवर्क डन। यही सॉल्व करना था, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका। तो ठीक है, अगर वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। थैंक यू।